हेलो गाइस, आपका स्वागत है एजुकेशन हब मैथ्स से यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी के मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में। तो आप अब घर बैठे ही एलटी की लेक्चरर मैथमेटिक्स की तैयारी कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में आपको हर एक वीडियो मिलेगी, हर एक टॉपिक की वीडियो मिलेगी और बीएससी लेवल के मैथमेटिक्स के हर एक टॉपिक मिलेंगे। तो आज हम बात करेंगे एलटी के सिलेबस के बारे में। देखो, यहाँ जो सिलेबस है, सबसे पहले तो 30 नंबर की पैडागोजी आती है। जो ये पैडागोजी है, ये सबके लिए सेम होती है। ये पैडागोजी चाहे आप हिंदी में जाएं, इंग्लिश में जाएं, साइंस में जाएं, या हर के उसमें 30 नंबर की पैडागोजी तो होती ही है। फिर हमारे जो हमारा सब्जेक्ट होता है, उसमें होता है हमारे लिए मैथमेटिक्स और हमारे लिए फिजिक्स। जो जो मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स में 11th 12th की मैथमेटिक्स तो आती है 20 नंबर की, और बीएससी लेवल की मैथमेटिक्स आती है 29 नंबर की। और जो ये बीएससी लेवल की मैथमेटिक्स होती है, लगभग हमारे जो हमने कुमाऊं यूनिवर्सिटी या गढ़वाल यूनिवर्सिटी में जो पढ़ी थी, उन्हीं बुकों में से संबंधित है। फिर हम आते हैं फिजिक्स की। जो ये फिजिक्स है, 11th 12th की फिजिक्स आती है आपके, ये 8 नंबर की, और बीएससी लेवल की आती है आपके पास फिजिक्स 13 नंबर की। तो देखिए, मैं मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में ही आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर को आपको सिर्फ मैथमेटिक्स के ही रिलेटेड चीजें मिलेंगी। और इलेवन फिजिक्स की जो आप है, 11th 12th की आप फिजिक्स पढ़िए, आप आराम से नंबर आप अपने बना सकते हैं। 11th 12th आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आप यहाँ अगर इस पूरे सिलेबस में आप बीएससी की मैथमेटिक्स, बीएससी की फिजिक्स नहीं भी पढ़ते हैं तो आपके लिए चल देगा, क्योंकि बीएससी की लगभग 13 नंबर लाने से बढ़िया वो मेहनत अगर हम मैथ्स में करें तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी, क्योंकि यहाँ 29 नंबर की बीएससी की मैथमेटिक्स है। और बीएससी की मैथमेटिक्स से शायद हम आराम से सीख सकते हैं, बहुत ही ईजी सी होती है। और अगर हम यहाँ 8 नंबर गेन कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम बीएससी लेवल की मैथमेटिक्स और 11th 12th की मैथमेटिक्स और 30 नंबर यहाँ करने पड़ेंगे। इस 30 नंबर में यहाँ सबकी नज़र रहती है, क्योंकि यही 30 नंबर हमारे नंबर लाने में हमको मदद करते हैं। तो मैं बात करूँगा बीएससी लेवल की मैथमेटिक्स की। 11 11 बार की तो आपके पास मैथमेटिक्स आनी ही वाली है। 11 बार तो आपको क्लियर हर एक चीज़ आनी चाहिए, आनी ही नहीं चाहिए, समझ में आनी चाहिए। और जो आपका पेपर बनता है, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी को उठा करके ही दे देते हैं। सेम टू सेम एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन, 11th 12th का एक एक क्वेश्चन आपको पकड़ होनी चाहिए और आपको समझ में आया हुआ होना चाहिए, खाली बनाए करके नहीं। अब बात करते हैं बीएससी लेवल के मैथमेटिक्स की। जो बीएससी लेवल में आता है, सबसे पहला जो मेरे पास टॉपिक है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। बीएससी लेवल की आप मैट्रिक्स पढ़िए, रैंक क्या होती है, मेरे पास होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है उनको समझिए, एडजॉइंट क्या होता है, डिटरमिनेंट क्या होता है, इसको समझिए। इन्हीं के ऊपर बात करेगा, ज्यादा डीप नहीं जाना है, हमने डीप नहीं जाना है, ऊपर ही ऊपर लेवल का पढ़ना है हमने। ज्यादा डीप जाएंगे तो हमारे पास ना तो टाइम बचेगा ना, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, क्योंकि तीनों बीएससी लेवल पढ़नी है, 11 बार पढ़ना है, फिजिक्स पढ़नी है, पैडोलॉजी पढ़नी है, तो हमने बहुत सारा पढ़ना है। तो हमने डीप नहीं जाना है, चीजों को समझना है। जैसे एक हेडिंग लिखी रहेगा, जैसे एक टॉपिक है, एक टॉपिक को उठा लिया, वो टॉपिक की डेफिनेशन समझ लिया और टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना लिए। ऐसा नहीं कि उसकी थ्योरी में जाए, डीप जाए, डीप नहीं जाना है हमको। कोई एमएससी नहीं करनी, हमको सिर्फ यहाँ पेपर क्वालिफाई करना है। फिर मैं जाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री अगर वही 11th 12th की आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़िए, थोड़ी सी यहाँ पर आइए, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के बारे में बात कर लीजिए, हाइपरबोलिक फंक्शन की बात कर लीजिए, बस हो गया, इतना ही। और कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करिए, ज्यादा डीप इसमें भी नहीं जाना हमने। वेक्टर एनालिसिस बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत इसमें कर्ल निकालने, डाइवर्जेंट निकालना, और इतना कोई खास चैप्टर नहीं है, ये बहुत ही इजी सा है। एक ये तो आराम से 2 दिन में आपका क्लियर हो जाएगा। अब आता है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस भी मेरे पास कोई इतना टॉपिक हार्ड नहीं है। फिर उसके बाद आता है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में तो ठीक हो गया, बीटा गामा फंक्शन बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बीटा गामा फंक्शन से पिछली बार भी क्वेश्चन आया था और इस बार भी 100% क्वेश्चन आएगा। सिर्फ आप इसमें बीटा गामा फंक्शन कर दीजिए और इंटीग्रल कैसे निकालनी, इंटीग्रेशन कैसे करना है ऐसे कर लीजिए। डबल इंटीग्रेशन पढ़िए, चेंज ऑफ द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन पढ़िए, बस इतना ही काफी है, बस इतना ही पढ़िए। अब आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 पार्ट होते हैं, एक तो मेरे पास आता है 2D आता है, एक मेरे पास आता है 3D। सबसे पहले इंटर की मेरे पास इंटर लेवल की 3D पढ़िए, और इंटर लेवल का मेरे पास 2D मतलब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़िए। अब बात इसमें भी मेरे पास वही कोन है, सर्कल है, इसी टाइप की चीजें पढ़ लीजिए, ज्यादा कोई इसमें कोन वोन पढ़ लीजिए, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन सिलेंडर और स्ट्रेट लाइन, बस हो गया इसमें पर्याप्त। स्पेयर पढ़ लीजिए, 4 टॉपिक पढ़ लीजिए, स्पेयर क्या होता है, कोन क्या होता है, एक स्पेयर पढ़ लीजिए, स्पेयर कोन, और मेरे पास क्या, सिलेंडर, और फिर मेरे पास होता है एक लाइन, बस ये टॉपिक पढ़ लीजिए, हमारी बात बन जाएगी। अब बात आती है एलजेब्रा में। एलजेब्रा में जो मेरे पास होता है, इसमें एलजेब्रा में जो मेरे पास यहाँ पर की जो एलजेब्रा की बात कर रहा है, वो मेरे से बात कर रहा है ग्रुप थ्योरी की, वो बात कर रहा है मेरे से ग्रुप थ्योरी की। और ग्रुप थ्योरी का तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है, आपको एक एक चीज मिल जाएगा। अब ग्रुप थ्योरी की बात कर रहा है, जो ग्रुप थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी में भी कुछ नहीं पढ़ना है, डीप नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर लेवल में पढ़ना है, बस हो गया। अब आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में
हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को सीख लीजिए, शायद उसी से क्वेश्चन बनेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता है। फिर आता है उसके बाद और 11th 12th लेवल की स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स में भी ज्यादा नहीं घुसना है, ज्यादा डीप नहीं जाना है, बस ऊपर ऊपर लेवल की मेरे को फॉर्मूले याद कर लेने इसमें, जैसे कि कैटेनरी का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियल एसिडेशन का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले याद कर लीजिए बस हो गया, बात बन जाएगी। फिर आता है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में मेरे पास आता है बहुत ही सरल सा टॉपिक है ये। मैं रियल एनालिसिस के लिए सबसे पहले मेरे को जब मैं 11th का 13वां अध्याय, 12th का 5.1 और 5.2 पढ़ लूँ, फिर उसके बाद मैं और इसमें 5.8 रोले और मीन वैल्यू, बस हो गया मुझे इतना पढ़ना। फिर इवनिंग में डीप क्वेश्चन बना लेने हैं कि रोले क्या होती है, मीन वैल्यू क्या होती है, इनको चीज़ों को समझ लेंगे तो बात बन जाएगी। रोले, मीन वैल्यू, रीमान इंटीग्रल के हल्का फुल्का क्वेश्चन, बस हो गया, ज़्यादा डीप इसमें भी नहीं जाना है। सिक्वेंस सीरीज नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। अब आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस थोड़ी हार्ड होती है सबसे, मतलब मेरे हिसाब से सबसे हार्ड होती है। और जब मैं बीएससी वालों को पढ़ाता हूँ तो इसको मैं थोड़ा कम कम ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है बहुत कठिन होती है मेरे हिसाब से। अब आता है लीनियर अलजेब्रा। हाँ, लीनियर अलजेब्रा एक और सरल सा टॉपिक है। अगर आपको ग्रुप थ्योरी आती है, आपको रिंग थ्योरी आती है, तो आप लीनियर अलजेब्रा आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, नॉर्मल पढ़ना है, आपने ज्यादा डीप नहीं जाना है, मतलब लीनियर स्पान क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, बस हो गया। और भाई ये चीजें पढ़नी है, ज्यादा डीप इसमें भी नहीं घुसना। न्यूमेरिकल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप लेक्चरर की तैयारी करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस से आपको बहुत नंबर का मिलेगा। इसको आप अच्छे से पढ़िए, डीप पढ़िए, और इसमें भी क्वेश्चन नहीं बनाने, आपको क्वेश्चन नहीं बनाने, बस थ्योरी थ्योरी पढ़नी है, कि थ्योरी थ्योरी मतलब फॉर्मूले पढ़ने, जैसे न्यूटन रैप्सन क्या होता है, इनको फॉर्मूलों को पढ़ लेना, बस हो गया, बात बन जाएगी हमारी। अब आता है मैथमेटिकल स्टेट। मैथमेटिकल स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितनी इसकी मैं तारीफ करूँ वो सब कम है। इसको तो आप जितना डीप पढ़ना चाहें उतना डीप आप पढ़ सकते हैं, उतना आपका फायदा होगा। हर एक जगह ये आने वाला है, हर एक जगह आपको ये फायदेमंद देगा। और एक एक चीज इसमें तो मैं आपसे कहूंगा, सबसे पहले तो आप 11th की स्टैटिक्स पढ़िए, फिर उसके बाद 12th की स्टैटिक्स पढ़िए, डीप पढ़िए। 11th और 12th को तो बहुत ही डीप पढ़िए, एक एक चीज को समझिए, आखिरकार में से कहना क्या चाहता है। जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती यह है, बी पहले बी घटती है फिर ए घटित होता है, तो उसको समझिए पहले। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, दो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं, इनको अच्छे से समझिए। फिर आप बीएससी लेवल में जाइए, इनको पढ़िए। आप अगर इतना पढ़ते हैं तो आपके पास है पेडागोजी, आप पढ़िए, आप मैथमेटिक्स का इतना सिलेबस पढ़ लीजिए, और 11th 12th की मैथमेटिक्स पढ़िए, और फिजिक्स, आप अगर आपको फिजिक्स अच्छे से आती है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप 11th 12th की फिजिक्स पढ़िए, आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा इस टाइप से अगर आप तैयारी करेंगे। तो मित्रों, आप हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़े रहिए, आप हर एक आपको टॉपिक मिल जाएगा, हर एक टॉपिक की वीडियो बना रहा हूं मैं, जल्द से जल्द आपको बनाते रहूंगा और आपको मैं देते रहूंगा, और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय, धन्यवाद।